Hi guys, I'm Professor Narayan Nile from Bhagyaved Academy. And today we are going to learn about the class 10th supplementary book dekh rahe hain. Iska naam tha The Fine Footprints. The Footprints Without Feet. Barabar friend, this is the supplementary book of the class 10th of English language. Usme se lesson number 2nd dekhne wale hain hum aaj. Iska naam hai The Thief's Story. Dekho friend, wahan pe jo thieves hai, uske apostrophe s diya hai. The Thief Story. तो देखते हैं इस थिप की क्या स्टोरी है. दिस इज द स्टोरी विच इज रिटन बाय रस्किन बॉन्ड. ये जो स्टोरी है फ्रेंड, ये किसने लिखी है? एक तो एक रस्किन बॉन्ड ने लिखी है, बराबर. तो चलो देखते हैं रस्किन बॉन्ड के पन कौन था, क्या था. पहले राइटर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, रस्किन बॉन्ड इज अ इंडियन राइटर, बट हिज इंग्लिश वॉज वेरी सुपर्ब. बट उसकी इंग्लिश बहुत अच्छी थी, उसको लोग इंडो इंग्लिश राइटर भी बोलते हैं. इंडो इंग्लिश राइटर क्यों बोलते हैं? तो इंडो इंग्लिश का मतलब होता है लिविंग इन इंडिया एंड राइटिंग इन इंग्लिश, दैट इज कॉल्ड द इंडो इंग्लिश राइटर. सेकंडली, ही वाज अ वर्सेटाइल पर्सन. मैंने उसकी एक स्टोरी और एक पढ़ी है फ्रेंड, मैं जो आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, द नाइट ट्रेन एट देवली. फ्रेंड, उसकी ग्रैंड मा रहती थी देहरादून. देहरादून पता है, उत्तराखंड में. तो फ्रेंड वहां पे वो देवली से मतलब दिल्ली से देहरादून जाता था. बीच में एक देवली नाम का क्या था, रेलवे स्टेशन था. वहां पे उतरता था, वहां पे एक गर्ल्स के साथ उसका कांटेक्ट था, मतलब उसके साथ एक उसका एक बॉन्ड बन गया था. वो वहां पे एक बास्केट सेलर गर्ल थी. तो फ्रेंड उसने उसकी लव स्टोरी बहुत अच्छी डिस्क्राइब की है, बट वो गर्ल्स उसको बाद में मिली नहीं, बराबर. हुआ सेलिंग द बास्केट शी. तो उसने उसका जो डिस्क्रिप्शन किया है मुझे आज भी याद है, उसके वजह से मैं उसका बहुत बड़ा फैन बन गया हूँ. उसकी राइटिंग स्किल्स लाजवाब है फ्रेंड. रस्किन बॉन्ड बोले तो बस, मुझे रस्किन बॉन्ड की स्टोरी मिल गई ना, तो आई विल बी वेरी एक्साइटेड. ओके, व्हाट विल बी इन इट? क्योंकि एक्साइटमेंट बढ़ाने वाला यदि कौन सा राइटर है तो सिर्फ रस्किन बॉन्ड है फ्रेंड. जैसे आर के नारायण, अरुण कोलाटकर, इनके साथ इसकी भी कंपैरिजन की जाती है रस्किन बॉन्ड की, यानी उनसे भी ये बहुत अच्छा राइटर है फ्रेंड. कंपैरिजन की जाती है मतलब ये क्वालिटी का वो राइटर है फ्रेंड. रस्किन बॉन्ड के लाइफ पे थोड़ा सा एक बैड इवेंट हुआ था. उसके जो पापा थे वो एयरफोर्स में थे, लेकिन एयरफोर्स में वो बहुत जल्दी क्या हो गए थे, एक्सपायर्ड हुए थे. तो जैसे उनके देहांत हो गया तो उसकी मम्मा ने क्या किया था, रीमैरिज कर लिया था और मम्मा दूसरे जगह पे चली गई थी. तो फिर रस्किन बॉन्ड और उसकी जो बहना थी वो उसके ग्रैंड मदर के पास रहती थी देहरादून में. समझ में आया? आज भी रस्किन बॉन्ड जीवित है फ्रेंड, लेकिन कहाँ पे रहता है? तो फ्रेंड आज वो मसूरी में रहता है. मसूरी कहाँ पे है तो मैं उसका नाम बता दूं आपको, उत्तराखंड में है. तो फ्रेंड वहां पे वो रहते हैं. ओके, लैंड्योर नाम का वो प्लेस है, वहां पे वो रहते हैं. चलो देखते हैं, ये था रस्किन बॉन्ड के बारे में. रस्किन बॉन्ड हमेशा मिस्टीरियस स्टोरियां लिखता है कि जिसमें रहस्य होता है, हमें ऐसा एक्साइटमेंट होता है, व्हाट विल बी हैपन अहेड, व्हाट विल बी हैपन अहेड, सच काइंड ऑफ. ओके, तो ये स्टोरी आज हमको पढ़ना है, लेसन नंबर 2nd है हमारा. सबने सप्लीमेंट्री बुक सामने रखो, अपन लाइन बाय लाइन आज ले रहे हैं. इसका नाम है द थिप स्टोरी. चलो देखते हैं नेक्स्ट. चलो, अ यंग बॉय, देखो मैं यहाँ पे पढ़ रहा हूँ जरा. द यंग बॉय मेक्स अ फ्रेंड विद अनिल. ये जो स्टोरी है फ्रेंड, एक यंग फेलो की है जिसका नाम है हरि सिंह. हरि सिंह इज द नरेटर ऑफ द स्टोरी. अंडरलाइन करना जरा या लिख लेना कहीं तो भी. ये स्टोरी किसने लिखी है? तो हरि सिंह ने लिखी है. हरि सिंह कौन है? तो चोर है. कितने साल का था वो? तो 15 इयर्स का था, तब की ये स्टोरी है. एक्चुअली अब हरि सिंह 15 साल का नहीं है, अब मतलब बहुत एजड हो चुका है और आज वो स्टोरी लिख रहा है. तो उसको याद आती है कि साला मैंने, मेरे 15 इयर्स का जब मैं था तब उसके साथ में जो इवेंट्स घटित हुआ था वो हमारे साथ उसने क्या किया है, शेयर किया है फ्रेंड. समझ में आ रहा है? तो चलो ये देखते हैं, ये यंग बॉय मेक्स अ फ्रेंड्स विद अनिल. और जो यंग बॉय है मतलब हरि सिंह है, वो अनिल के साथ क्या करता है, फ्रेंडशिप करता है. यहाँ पे ये स्टोरी में सिर्फ दो कैरेक्टर है, एक हरि सिंह है और एक अनिल है. मैंने पहले बोला अनिल बड़ा है, ये देख लो यहाँ पे अनिल बड़ा है, 25 इयर्स का है. हरि सिंह छोटा है, सिर्फ 15 इयर्स का है. लेकिन ये छोटा है, ये बहुत सिंसियर है, बहुत ऑनेस्ट है. समझ में आया दोनों में डिफरेंस? ओके, यानी नॉट वेरी रिच, यानी अनिल ऐसा भी नहीं है कि बहुत बड़ा क्या है, रिच है, ऐसा भी नहीं है. हरि सिंह हमेशा क्या करता है, मैं थोड़ा सा हरि सिंह के बारे में आपको बताना चाहता हूँ. हरि सिंह 15 साल का है, वो बहुत एक नंबर का चोट्टा है, वो हमेशा डिसीविंग करता है पीपल को और उसके हार्ट में एंट्री करता है पहले, यानी सबसे पहले किसी से भी वो कॉन्टेक्ट बना लेता है,
उससे फ्रेंडशिप बना लेता है, उसके दिल में एंट्री कर लेता है, मतलब स्पीकिंग स्टाइल उसकी बहुत अच्छी इफेक्टिव है, दैट्स व्हाई वो किसी के भी दिल में एंट्री कर लेता है, फिर बाद में उसको लुटता है यानी पूरी इंफॉर्मेशन निकाल के, यानी कितना प्लानिंगली करता होगा, यू कैन इमेजिन द फ्रेंड, तो आप उसकी इमेजिनेशन कर सकते हो। तो चलो अभी वो अनिल से मिला है, ऑब्वियसली उसका सेम प्लान है क्या, उसको लुटना है। अनिल ट्रस्ट हिम कम्प्लीटली, और यहाँ पे एक अलग बात होती है कि अनिल उसके ऊपर ट्रिमेंडसली क्या करता है, ट्रस्ट करता है एंड एम्प्लॉयज हिम, और उसके पास वो उसके घर में उसको रखता भी है, काम भी देता है, रोजगार भी दिलाता है। बट डज द बॉय बेटर हिज ट्रस्ट, यानी इतना वो उसके ऊपर क्या रखता है, ट्रस्ट रखता है, लेकिन अब क्वेश्चन है हमारे सामने, क्या वो इसका विश्वासघात करता है। देखो यानी हमारे साथ समझो, हमारे पापा ने बहुत ट्रस्ट रखा हमारे पास, सब कुछ पैसा वगैरह दिया, प्रॉपर्टी हमको शेयर किया, यानी हम कुछ सब कुछ दे रहे हैं, हमारे साथ की दे रहे हैं, लेकिन क्या हम उनको डिसीव करें जो हमें स्टैंड करता है, जो हमें लायक बनाता है नालायक से, जो हमें दुनिया दिलाता है, दुनिया दिखाता है, जो हमारा एजुकेशन कंप्लीट करता है, क्या ऐसे पर्सन की फिरकी लेना हमें अच्छा लगेगा? ऑब्वियसली नहीं यार। लाइक दैट सेम कंडीशन हियर इज ऑल्सो द सेम कंडीशन हैपन, यहाँ पे भी ऐसी बात हुई है। बेचारा अनिल उसको इच्छा ने एवरीथिंग प्रोवाइड करता है, जो उसके माँ बाप ने भी उसको नहीं दिया, जो उसके फ्रेंड सर्कल ने उसको नहीं दिया, आज ये सारी चीजें अनिल उसको प्रोवाइड करता है। तो फिर ये तो उस क्या पर्पस था हरि सिंह का, डिसीविंग हिम। तो क्या अब वो इतना ट्रस्ट करता है, उसको एजुकेशन दिलाता है, उसके घर में उसको रहने के लिए पनाह देता है, बराबर जो उसको खाना समय पे देता है, जो उसको ईच एंड एवरी डे घर में रेस्पेक्ट देता है, इस मतलब सब कुछ उसको एक घर का एक मेंबर मानता है। तो अभी क्वेश्चन हमारे सामने पड़ता है कि कैन हरि सिंह डू हिज वर्क, बेटर हिज ट्रस्ट, क्या हरि सिंह उसका ट्रस्ट तोड़ सकता है? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन का यदि हमको आंसर चाहिए तो यू शुड नो फर्स्ट ऑफ ऑल द स्टोरी, तो पहले हमें ये स्टोरी क्या करनी पड़ेगी, पढ़नी पड़ेगी ना। तो चलो देखते हैं फ्रेंड स्टोरी, चलो देखते हैं। आई वॉज स्टिल अ थीफ, देखो फ्रेंड ये जो आई वर्ड यूज किया है ना यहाँ पे, ये खुद नरेटर ने यूज किया है, मतलब नरेटर मतलब हरि सिंह, हरि सिंह खुद हमसे हमारे साथ क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। ओके राइटर देखो रस्किन बॉन्ड है, लेकिन स्टोरी लिख रहा है किसकी, हरि सिंह की, और हरि सिंह स्टोरी बता रहा है हमको अनिल की, समझ में आया, क्लियर। ओके आई वॉज स्टिल अ थीव, मैं उस जमाने में चोर था, मतलब अभी हरि सिंह चोर नहीं है, क्या बोला, उस जमाने में मैं चोर था, मतलब पास्ट की स्टोरी हमारे साथ क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। When I met अनिल, मैं एक दिन अनिल को मिला, at the only 15, तब मैं सिर्फ 15 साल का था। I was an experienced and fairly successful hand, मैं एक नंबर का एक्सपीरियंस पर्सन था, मतलब मुझे बहुत चोरी करने का क्या था, एक्सपीरियंस था, और सक्सेसफुल भी हो चुका था, आज तक किसी ने मुझे पकड़ा नहीं था। देखो फ्रेंड बुक सामने रखो, एकदम लाइन बाय लाइन में ले रहा हूं। अनिल वॉज वॉचिंग द रेसलिंग मैच व्हेन आई अप्रोच्ड हिम, मेरी और अनिल की कहां पे भेड़ हो गई, मुठभेड़ हो गई। एक बार रेसलिंग मैच अनिल देख रहा था, मैं भी वहां पे गया, और ऑब्वियसली हम दोनों की वहां पे मीटिंग हुई, वो मुझे अप्रोच हुआ। ही वॉज अबाउट 25, कितने साल का था वो, 25, अ टॉल लीन फेलो, मतलब थोड़ा सा हाइटेड था, बट थोड़ा सा लुकड़ा था, एंड He looked easy going, और थोड़ा सा easy going था, पढ़े ना भाई easy going, मतलब जिससे easily friendship कर सके। देखो कुछ लोग easy going नहीं होते हैं, और कुछ लोग life में तो easy going जीते हैं, easy going का मतलब है चल जाओ होता है वो करता है, ऐसा था वो, थोड़ा सा kind था, and simple enough for my purpose, और मेरा purpose easily आसान हो जाएगा ऐसा मुझे लगता था। देखो friend किसी इजी गोइंग पर्सन को फंसाना कोई बड़ी बात नहीं, हाँ बट जो केयरिंग है उसको फंसाना बहुत बड़ी बात, और उसको फंसा नहीं सकते हम, मतलब हमारे लिए पॉसिबल नहीं होता, लेकिन जो हमसे दो मिनट में बिलीव करता है ऐसे आदमी को बिलीव फंसाना एकदम आसान होता है, तो वैसा ही मेरे लिए पॉसिबल था। ये था फ्रेंड डिस्क्रिप्शन किसका, अनिल का। आपको 100% एक क्वेश्चन, एक मार्क के लिए क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द अनिल्स पर्सनैलिटी, तो आपको ये पूरा 25 ईयर्स का था, टॉल था, लीन था, इजी गोइंग था, काइंड था, सिंपल लुकिंग था, बराबर ये सब देना है।
आई हैडंट हैड मच लक ऑफ लेट, तो मैंने थोड़ा सा भी नहीं क्या किया, लेट नहीं किया, चलो भाई मैं मेरा लक अभी आजमाता, मतलब इसके साथ टॉक करता और उसको फंसाता। एंड थॉट आई माइट बी एबल टू गेट इनटू द यंग मैन्स कॉन्फिडेंस, मैं जैसे उसके पास गया पहले मैंने उसका कॉन्फिडेंस जीतना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। क्योंकि सबसे पहले किसी को भी लूटना है या किसी को डिसीव करना है तो सबसे पहले उसके हार्ट में एंट्री करना पड़ता है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे करते हैं, देखो फ्रेंड कुछ लोग एकदम मस्त होते हैं, यानी इतने फ्रेंडशिप दो मिनट में बना लेते हैं, और कोई कोई ऐसा होता है कि हमारे साथ सालों से रह रहे हैं लेकिन कोई फ्रेंडशिप नहीं बना सकते हमारे साथ, तो ऐसा भी कभी कभार होता है। लेकिन अनिल एकदम इजी गोइंग था एंड दैट्स व्हाई हरी सिंह को उसको डिसीव करना बहुत क्या था, सिंपल था, आसान था। यू लुक अ बिट ऑफ रेसलर यूर सेल्फ आई सेड, मैंने बोला वाह अनिल भैया, मतलब अनिल भैया मतलब उसको नाम नहीं पता अभी, बट आप तो मस्त रेसलर दिख रहे हो यार। अब मुझे बताओ अनिल रेसलर जैसा था नहीं, क्या किया उसने, उसको बोस्टिंग किया, बोस्टिंग किया मतलब प्रेस किया, प्रेस किया मतलब उसको थोड़ा सा हवा में उड़ाया, क्यों वाह यार रेसलर लग रहे हो यार आप, अ लिटल फ्लैटरी, फ्लैटरी किया था मैंने उसके, फ्लैटरी मतलब समझता है आपको, एक हद की जरा चापलूसी करना, एक हद की वाह वाह करना, फ्लैटरी का मतलब हेल्प्स इन मेकिंग अ फ्रेंड, मुझे क्या बनाना था उसका फ्रेंड बनाना था, दैट्स ऑल, दैट वाज माय पर्पस, ये मेरा पर्पस था। चलो आगे, सो डू यू ही रिप्लाइड, वो बोला नहीं आप भी तो दिखते हो मस्त रेसलर, अभी ये भी रेसलर था नहीं, मतलब दोनों भी एकदम टॉकेटिव है, व्हिच पुट मी ऑफ फॉर अ मोमेंट बिकॉज एट दैट टाइम आई वॉज रादर थिन, एक्चुअली मैं उस समय में, अभी हरी सिंह अभी थिन नहीं है, अभी मस्त बोखा बोखा बन गए हैं, लेकिन उस जमाने में मैं भी थिन था, यानी उसने भी मेरी मजा उड़ाई, मैंने भी उसकी मजा उड़ाई। वेल आई सेड मॉडेस्टी, मैंने थोड़ी सी मॉडेस्टी दिखाई, ओके ठीक है, आई डू रेस्टल अ बिट, व्हाट्स योर नेम, मैंने भी बोला नहीं मुझे रेसलिंग वगैरह अच्छा नहीं लगता लेकिन मैं देखना मुझे अच्छा लगता है, दैट्स व्हाई मैं यहाँ पे आया हूँ, चलो आपका नाम क्या है, तो मैंने बस तो बोला हरी सिंह, आई लाइड, मैं झूठ बोला, लाई का मतलब होता है झूठ बोलना, मैं झूठ बोला हरी सिंह, अभी मतलब इसका नाम फिर हरी सिंह नहीं था क्या, तो सच में नहीं था, किसका नाम नहीं था, हरी सिंह, हरी सिंह का नाम हरी सिंह नहीं था। अब बोलेंगे सर फिर क्या था, फ्रेंड वो ईच एंड एवरी टाइम उसका नाम दो दो महीने में एक एक महीने में क्या करता है, चेंज करता है, व्हाई आई टुक अ न्यू नेम एवरी मंथ दैट केप्ट मी अहेड ऑफ द पुलिस एंड माई फॉर्मर एम्प्लॉयर्स, मैं नाम क्यों चेंज करता हूँ, तो उसके पीछे दो रीजन था, पहला रीजन मुझे पुलिस से क्या करना है, बचना है, और दूसरा रीजन मेरे जो फॉर्मर एम्प्लॉयर्स है, मतलब जिस जिनको मैंने आज तक क्या किया है, फॉर्मल मतलब पीछे वाले एम्प्लॉयज, मतलब जिनको मैंने डिसीव किया है, मतलब फंसाया है, उनको ट्रस्ट मैंने ब्रेक किया है, तो उन सभी को, सभी से मुझसे क्या करना था, बचना था, एंड दैट्स वाई मैंने मेरा नाम हरी सिंह बोला। After this introduction, हमारा introduction हो गया, Anil talked about the well-oiled and wrestler who were grunting. Anil मस्त वे की देख रहा था, बातें कर रहा था, हमारी बातें चल रही थी, एक एकदम खतरनाक wrestler था, ऐसा oil लगाया हुआ, एकदम grunting कर रहा था, lifting कर रहा था, throwing each other about, एक दूसरे को क्या कर रहे थे, पटक रहे थे, हम देख रहे थे और बातें कर रहे थे। देखो उधर wrestling चालू है, इधर अनिल और हरी सिंह के बीच में भी क्या चालू है, एक talking बातें चालू है। लेकिन मेरे पास ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं था क्योंकि रेसलिंग के बारे में मुझे पता नहीं था, बट अनिल मस्त भाई जानता था। अनिल वॉक्ड अवे, अनिल वहां से निकला, आई फॉलोड कैजुअली, मैं भी उसके बिहाइंड निकला क्योंकि मुझे उसको छोड़ना ही नहीं था, मेरा पर्पज क्या था, टू डिसीव हिम। हेलो अगेन ही सेड, वो बोलता ठीक है मैं निकलता हूँ। आई गेव हिम माई मोस्ट अपीलिंग स्माइल, मैंने भी एकदम अपीलिंग स्माइल दे, हाँ आई वॉन्ट टू वर्क फॉर यू I said, मैंने बोला यार मुझे काम चाहिए था, क्या तुम मुझे काम दे सकते हो, बट आई कांट पे यू, लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकता। कौन बोला, अनिल बोला, क्योंकि अनिल क्यों बोला मैं पे नहीं कर सकता, ये बोलता मैं तेरे पास काम कर सकता हूँ क्या, तो बोलता यस कर सकता है, बट मैं आपको पे नहीं कर सकता, क्यों नहीं पे कर सकता, क्योंकि मैं इतना रिच नहीं हूं और मेरे मेरे काम मैं खुद करता हूं, बराबर, ऐसा भी अनिल का पर्पस था। नेक्स्ट, आई थॉट ओवर अ मिनट, मैंने थोड़ा सा उसके बारे में क्या थोड़ा सोचा, परहैप्स आई हैड मिसजज माय मैन, मुझे ऐसा लगा कि साला अभी मेरे को नहीं लेगा क्योंकि इसने तो सीधा बोल दिया कि मैं रिच नहीं हूं, मैं पे नहीं कर सकता,
तो क्या मुझे जमेगा नहीं आज, ऐसा लग रहा था। आई आस्क्ड कैन यू फीड मी, तो फिर मैंने उसको पूछा, उसने मुझे पूछा क्या तुम फीडिंग करते है, करने आता है। मैं कैन यू कुक, तो उसने पूछा मुझे क्या तुझे कुकिंग वगैरह आता है। आई कैन, आई लाइड अगेन, मैं और झूठ बोला। कौन बोल रहा है? हरी सिंह। क्यों झूठ बोल रहा है? वो झूठ पे झूठ, क्योंकि उसके घर में सिर्फ उसको क्या चाहिए थी, एंट्री चाहिए थी एट एनी कॉस्ट। क्योंकि अभी यदि बोल देता था कि मुझे कुकिंग नहीं आता है तो शायद वो मुझे उसके घर में नहीं रखता था। इफ यू कुक देन यू मे बी आई कैन फीड यू, हाँ मैं तुझे खिला सकता हूँ, लेकिन तुम्हें कुकिंग थोड़ा सा आना चाहिए। खिला सकता हूँ मतलब यदि तुम मेरे घर पे रहने आएगा, ये बोला कि मैं तुम्हारे घर पे रहने क्या हो क्या, आप मुझे खिला सकते हो क्या, क्योंकि मुझे घर नहीं है। बराबर, तो ये बोलता ठीक है तुझे कुकिंग यदि आता है तो कुकिंग कर, मैं तुझे घर बैठे खिला सकता हूँ। अभी अनिल कौन था, मैं थोड़ा सा आपको अनिल के बारे में बताता। अनिल एक थोड़ा सा क्या था, एक राइटर था। राइटर था मतलब इतना फेमस राइटर नहीं था, बट राइटर बनने के स्टेप में था। बराबर, थोड़ा सा आर्टिकल वगैरह लिखता था और मैगजीन में वगैरह देता था और थोड़े से पैसे उसको मिलते थे, उसके ऊपर वो अपनी दिनचर्या करता था, ऐसा अनिल था। चलो देखते आगे क्या हुआ। तो उसने बोला कि चल मेरे घर पे, यदि तू मुझे कुकिंग करके देगा तो मैं तुझे खिला सकता हूँ। ही टुक मी टू हिज रूम ओवर द जुमा स्वीट शॉप, अंडरलाइन करना जमुना है वो, जमुना स्वीट शॉप। वहां पे एक जमुना स्वीट शॉप था, उसके ऊपर एक रूम थी, उस रूम में वो रहता था। एंड टोल्ड मी आई कुड स्लीप ऑन द बालकनी, और मुझे बोला कि ठीक है भाई ये रूम में एकदम छोटी है तो एक काम करते जा, मैं यहाँ पे सोता जाऊंगा, तो यहाँ पे बाहर बालकनी है, बालकनी में सोते जा। बट द मील आई कुक दैट नाइट मस्ट हैव बीन अ टेरिबल बिकॉज अनिल गिव इट टू द स्ट्रे डॉग। फिर शाम हो गई, फिर उसने मुझे बोला चल खाना बना, मैंने बनाया। कौन बोलता? हरी सिंह। लेकिन इतना टेरिबल बन गया था वो कि उसने एक घास भी नहीं खाया। फिर वो पूरा का पूरा अनाज उसने किसको दे दिया? अनिल गिव इट टू द स्ट्रे डॉग्स। किसको दे दिया? स्ट्रे डॉग को खिलाने को दे दिया। मतलब इमेजिन व्हाट काइंड ऑफ इट मे बी, वो कितना गंदा बना होगा तुम कल्पना कर सकते हो। एंड टोल्ड मी टू बी ऑफ, और मुझे बोला कि ठीक है जंदे। बट आई जस्ट हंग अराउंड एंड स्माइलिंग इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, ही कुडंट हेल्प मी लॉफिंग। लेकिन फिर भी उसने मुझे कुछ नहीं बोला, मेरी तरफ देखा और हंसता गया। अनिल ने कैजुअली क्यों लिया है ऐसा? यानी अनिल को समझ में आ गया है कि उसने झूठ बोला है, लेकिन सिर्फ काय के लिए बोला है? चलो मेरे घर में पनाह के लिए बोला है, बेचारे को कुछ नहीं आता है। फिर भी उसने उसको ये भी चीज उसकी क्या कर डाली, एक्सेप्ट। अभी अनिल को एक बात पता चल गई है कि उसको कुछ नहीं आता, लेकिन फिर भी उसने उसको उसके घर में क्या दिया, पनाह दिया। आगे, लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड एंड सेड नेवर माइंड। फिर भी उसने मेरे हेड के ऊपर ऐसा पैट किया और बोला चल जान दे, हो गया। He had teach me to cook. मैं ही तुझे पढ़ाऊंगा। He also taught me to write my name and said he and would soon teach me to write the whole sentences and to add the numbers. फिर क्या हुआ? उसने सिर्फ मुझे कुकिंग नहीं सिखाया, इसने मेरा नाम कैसे लिखता है, यानी उसको तो, हरी सिंह को तो कुछ भी नहीं आता था क्योंकि बचपन से ही क्या था, चुट्टा था, बमटा था, यानी उसने कभी एजुकेशन देखा नहीं था, स्कूल की स्टेप पे कभी चढ़ा नहीं था, तो ऑब्वियसली उसको कुछ नहीं आता था। तो सब कुछ चीजें किसने सिखाई उसको? तो राइटर ने, सॉरी अनिल ने सिखाई उसको, यानी पूरा लिखना वगैरह, नाम कैसे लिखते, दूसरी बात सेंटेंस कैसे लिखते, तीसरी बात नंबर कैसे ऐड करते, मतलब मैथ्स भी थोड़ा बहुत उसको सिखा दिया। आई वॉज ग्रेटफुल, सच में मैं उसका बहुत थैंक यू कि सच में अनिल ने ये सब बातें मुझे सिखाई। आई न्यू दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन एंड देयर वुड बी नो लिमिट टू एंड व्हाट आई कुड अचीव। फिर उस दिन मुझे लगा कि नहीं, एक दिन मैं भी मस्त क्या बनूंगा, एक मस्त लिखूंगा, जैसे अनिल लिखता है वैसे मैं भी मेरा खुद की स्टोरियां लिखते जाऊंगा। बराबर, तब जाके मैं भी बहुत अच्छे पैसे कमाऊंगा। इस प्रकार के थॉट्स किसके माइंड में तैयार हो रहे हैं? डे बाय डे, डे बाय डे, डे बाय डे, ये हरि सिंह के भी माइंड में तैयार हो रहे हैं। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है बच्चों? देखो ये दोनों फ्रेंड है, वो ये जो दिख रहा है ये लंबा लंबा सा, ये कौन है आपको? ऑब्वियसली अनिल है। और ये छोटा पिल्ला जो दिख रहे हैं आप, ये 15 साल का, ये कौन है? ऑब्वियसली हरि सिंह है। चलो देखते हैं। इट वॉज अ क्वाइट प्लीजेंट वर्किंग फॉर अनिल। अनिल के लिए मुझे काम करना मस्त मजा आती थी हम दोनों को। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम टू बाइंग द डेज सप्लाईज।
फिर हमेशा मैं सुबह सुबह चाय बनाता था मस्त, अनिल को देता था, अनिल पीता था, मैं भी पीता था। बाद में अनिल मुझे कुछ पैसे देता था और बोलता था कि जा डे सप्लाईज लेके आ, मतलब डे सप्लाई मतलब दिन में हमें क्या क्या लगने वाला है, थोड़ा बहुत ग्रोसरी वेजिटेबल्स वगैरह वगैरह लेके। यूजुअली मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ अबाउट अ रुपी अ डे। रोज में क्या करता था, कुछ पैसे बचाता था और एक आधा रुपया उसमें से क्या करता था, मारता था। अब को ये कौन करता था, ऑब्वियसली हरि सिंह, क्यों छोटा है ना। और ये अनिल को सब समझता था। आई थिंक ही न्यू आई मेड अ लिटिल मनी दिस वे बट ही डिड नॉट सीम्स टू माइंड। अनिल को ये बातें सब समझती थी लेकिन अनिल ने कभी इसके ऊपर माइंड नहीं किया। क्यों नहीं किया, क्योंकि अनिल को पता था कि चलो भाई मुझे तो इतना समय नहीं, ये तो भी कर रहा है और इतना थोड़ा बहुत किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ऐसा उसको लगता था। ओके नेक्स्ट। अनिल मेड अ मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स। अनिल भी बेचारा कैसे तो भी पैसे कमा रहा था। अभी अनिल बहुत रिच था क्या, कि चलो भाई बहुत रिच था नहीं, वो कैसे तो भी क्या करता था, कुछ मनी वगैरह कमाता था। ही वुड बोरो वन वीक। एक बार उसके पास पैसे नहीं थे तो दूसरों से क्या किया था, उसने बोरो किया था। लेंड द नेक्स्ट, वो हमेशा क्या करता था, कभी कभार उसके पास पैसे नहीं रहते थे, कभी कभार उसके राइटिंग क्या नहीं होता था, पब्लिश नहीं होता था, तो उसको कुछ पैसे नहीं मिलते थे, तो मैं अपने फ्रेंड सर्कल में से पैसे बोरो करता था। फिर जब उसका आर्टिकल सेंड होता था वो उसके पैसे लेता था, फिर उसे अपनी को देता था, मतलब टोपिया चढ़ाने का काम करता था, मतलब इतना पुअर था। ये बात आपको समझ में आ गई। ही केप्ट वरिंग अबाउट द नेक्स्ट चेक। उसको एक बार बहुत टेंशन आया था उसके चेक का, बट एज सून एज इट अराइव्ड, बट एक दिन चेक आ गया एंड वुड बी गो आउट एंड सेलिब्रेट। फिर एक बार उसको चेक नहीं मिल रहा था तो उसने बोला चेक आएगा चेक आएगा चेक आएगा, और एक दिन उसका चेक क्या हो गया, आ गया। और जैसे चेक आ गया ना वो बहुत खुश हो गया। फिर खुश हो गया उसने अपने फ्रेंड सर्कल में क्या किया, बुला लिया कि चलो आ जाओ रे मेरा चेक आ गया है, आज मस्त क्या करेंगे, सेलिब्रेशन करेंगे। इसका मतलब समझ में आ गया आपको किस प्रकार का नेचर है अनिल का। अनिल का नेचर ऐसा हैप्पी गो लकी मैन। क्या बोलते हैं उसको, हैप्पी गो लकी मैन, मतलब जैसा आए वैसे दिन निकालते रहना और मस्त एंजॉय करते रहना, ना मांगे ना बूढ़े, मतलब कहीं मांगे बूढ़े टागवाच नहीं, मतलब कहीं आपल्या जवळ राहले पाहिजे, बॅलन्स राहिला पाहिजे, सेविंग झाली पाहिजे, अशा प्रकारची टेंडन्सी कशा लोकांची नसते। तो लाइक दैट सेम कंडिशन उसकी भी कोई टेंडन्सी नहीं थी, दैट्स व्हाई वो रिच नहीं था। समझ में आया, यही प्रॉब्लम है कुछ लोगों का, दैट्स व्हाई दे रिमेन द पुअर। इसलिए कुछ लोग पुअर रहते। देखो फ्रेंड, मेरा एक सेंटेंस मुझे आज भी याद है, सॉरी एक राइटर का एक सेंटेंस मुझे आज भी याद है, किसी महान व्यक्ति ने कहा है, महान व्यक्ति कौन था मुझे पता नहीं, बट ऐसा कहा है, यदि तुम्हारा जन्म गरीबी में होता है तो इट इज नॉट योर फॉल्ट। आपका जन्म यदि किसी गरीब घराने में होता है तो इट इज नॉट योर फॉल्ट, गरीबी में होता है तो इट इज नॉट योर फॉल्ट, बट यदि आप गरीब होके मरते हो तो इट इज योर फॉल्ट। क्यों, क्योंकि उसके महान व्यक्ति का ना थिंकिंग ऐसा है कि आदमी ने कुछ तो भी अचीवमेंट करना चाहिए, इतनी जिंदगी हमारे पास तो इतनी जिंदगी में कुछ तो भी हमने सेविंग करके क्या करना चाहिए, रखना चाहिए। लेकिन कुछ लोग बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, पैसे आए थे खाली आते, आए थे खाली आते जाएंगे, खाऊं पीऊं गया जब मजा मारे जी, सच काइंड ऑफ टेंडेंसी। तो इस प्रकार के कई कुछ लोगों की टेंडेंसी रहती है, ऐसा ही अनिल था। इट सीम्स टू राइट फॉर मैगजीन, और इस प्रकार से थोड़ा सा मैगजीन लिखता था, अ क्वीर वे टू मेक अ लिविंग। यही उसका लिविंग का एक जरिया था। देखो कोई सिंगिंग के लिए जीता है, कोई डांसिंग के लिए जीता है, कोई एक्टिंग के लिए जीता है, कोई टीचिंग के लिए जीता है। अभी हर एक का आदमी का कुछ जिंदगी का एक वे रहता है और उससे उसको कुछ पैसे मिलते हैं और वो पैसे वो स्पेंड करता है और जिंदगी जीता है, बराबर। वन इवनिंग ही केम होम विद अ स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स। एक बार क्या हुआ, उसने मस्त देखी इतना पैसों का बंडल घर पे लेके आया, सेइंग, और आया जैसे बोला हरि सिंह को, ही हैड जस्ट सोल्ड अ बुक टू द पब्लिशर। हरि सिंह को बोला कि देख भाई हरि सिंह, मैंने एक बुक था मेरा, पब्लिश शेयर को भी क्या कर दिया, आज बेच दिया और फिर मुझे इतने पैसे मिले। एट नाइट आई सॉ हिम टक द मनी अंडर द मैट्रेस। मैट्रेस मतलब समझता, बिछाना, बिछाने के नीचे उसने ऐसे पैसे डाल दिए। एक्चुअली अनिल ने वहां पे पैसे डालने चाहिए थे, नहीं क्यों नहीं, क्योंकि उसके घर में एक पराया आदमी था, लेकिन वो उसको पराया नहीं समझता था, उसको अपना समझता था, दैट्स व्हाई उसने उसके सामने मैट्रेस के अंदर क्या रख दिए, पैसे दे रख दिए। लेकिन हरि सिंह बिलीव करने लायक था, ऑब्वियसली नॉट। देखो फ्रेंड, कुछ लोग किसी के ऊपर भी 2 मिनट में क्या कर डालते हैं, बिलीव कर डालते हैं, और कुछ लोग होते हैं जिंदगियां गुजर जाती है फ्रेंड, बिलीव नहीं करते, ऐसे भी होते हैं। देखो फ्रेंड, वन इवनिंग एक शाम को क्या हुआ, तो उसने वो बंडल वगैरह लाया और मैट्रेस के नीचे रख दिया। आगे, आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट अ मंथ। एक महीना हो गया था मैं उसके साथ काम कर रहा था। अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, उसको शॉपिंग में मैं हमेशा चीट करता था, एंड हैड नॉट डन एनीथिंग इन माय लाइन ऑफ वर्क, मेरा लेकिन मैं ऐसा मेरा काम चल रहा था।
आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, मतलब मैं उसको चीट करने का एक भी अपॉर्चुनिटी क्या नहीं करना चाहता था, मिस नहीं करता चाहता था, मतलब उसको छोड़ता नहीं था. अनिल हैड गिवन मी अ की टू द डोर, उस दिन पैसे उसने मैट्रेस के नीचे रखा और मेरे हाथ में की रख दी. एंड आई कुड कम एंड गो एज आई प्लीज, और चला गया. देखो, he was the most trusting person I had ever met. मतलब आज तक किसी आदमी ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट नहीं रखा था, मतलब ना मेरे पेरेंट्स ने मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट रखा था. इतना ट्रस्ट आज किसने किसके ऊपर रखा था पता है फ्रेंड? अनिल ने हरि सिंह के ऊपर रखा था. एक्चुअली रखना चाहिए था, नहीं रखना चाहिए था. देखो फ्रेंड, कुछ लोग रहते हैं ऐसे कि ऐसे लोगों के ऊपर बिलीव करते कि जो लोग बिलीव करने के लायक नहीं होते, बराबर ऐसा ही था. एंड दैट इज वाई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. हरि सिंह बोलता है यही रीजन था, इसलिए उसको रॉबिंग करना मेरे लिए क्या नहीं था, पॉसिबल नहीं था. देखो फ्रेंड, यदि हमारे ऊपर कोई बिलीव कर रहा है तो उसको बिलीव तोड़ना हमारे लिए क्या नहीं होता, पॉसिबल नहीं होता. हाँ, लेकिन बिलीव ना करे तो उसका बिलीव दो मिनट में हम तोड़ डालेंगे. तो वही सेम कंडीशन आज किसके साथ हो रही थी? हरि सिंह के साथ हो रही. साला मैं इसको क्या करूँ, मैं इसका बिलीव, ये साला मेरे ऊपर बहुत बिलीव करता है लेकिन मैं उसको चीट तो करना चाहता हूँ, अभी कैसा करूँ? तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन किसके सामने है? हरि सिंह के सामने. एंड दैट इज व्हाई इट वाज सो डिफिकल्ट टू रॉब हिम. इट इज इजी टू रॉब अ ग्रीडी मैन, बराबर एक आधे लालची को, ग्रीडी को लूटना कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रॉब, क्योंकि उसके भी पैसे कैसे हैं, रॉबिंग के. बट इट इज वेरी डिफिकल्ट टू रॉब द केयरलेस मैन, एंड समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज बीन रॉब्ड, एंड दैट टेक्स ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क. मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन था, क्योंकि जो मेरे ऊपर बिलीव करता है उसको मैं डिसीव करूं, ये मेरे लिए बहुत हार्ड था. समझ में आया फ्रेंड? देखो, किसी ग्रीडी को, मतलब किसी रिच है और उसको यदि मैंने लूटा तो कोई बड़ी बात नहीं, एकदम ग्रीडी आदमी है, दूसरों से पैसे लेता है तो उसको लूटना कोई बड़ी बात नहीं. लेकिन किसी सिंपल आदमी को, इंसान को, एकदम बहुत हार्डवर्क से पैसे कमा रहा है, उस आदमी से रुपया भी लेना फ्रेंड, तो बहुत बुरा लगता है. गॉट इट? डू यू एग्री विद मी? आप भी सहमत है मेरे से? तो ऐसा ही सेम कंडीशन हरि सिंह को लग रहा था, तो उसको बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया था. वेल, इट इज द टाइम आई डिड सम रियल वर्क. चलो जाने दो, जो मुझे मैं करने के लिए आया था मैंने करना चालू कर दिया. आई टोल्ड माई सेल्फ, मैंने ऐसा डिसाइड कर लिया कि नहीं, मैंने ऐसा नहीं सोचना चाहिए. आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, नहीं तो ऐसे में तो मेरी प्रैक्टिस छूट जाएंगी यार. एंड इफ आई डोंट टेक द मनी, मैंने पैसे नहीं निकाले तो फिर मैं कैसे बच जाऊंगा? He only to waste it on his friend. और मैंने उसके पैसे नहीं भी निकाले तो क्या होगा? ओके, ठीक है, मैंने आज चोरी नहीं की तो क्या होगा? अनिल सिंह और शाम को क्या करेगा? मैट्रेस के नीचे से पैसे निकालेगा, अपने फ्रेंड सर्कल में जाएगा और रास्ता एंजॉय करेगा. क्योंकि आज तक देखा है हरि सिंह का नेचर, सॉरी अनिल का नेचर, वो हमेशा फ्रेंड सर्कल में क्या करता है? पैसे उड़ाता है. मैंने आपको एक वर्ड बोला था, हैप्पी गो लक्की मैन. तो लाइक दैट सेम कंडीशन, तो उससे बेटर है मैं उसको चुरा लूं अनिल के थॉट से. देखो फ्रेंड, ऐसा उसको लगा. आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे. और एक बात देखो, उसको चोरी करने पहले उसके मन ने क्या कहा? देखो, इसको बोलते हैं डिलेमा में पड़ना. डिलेमा में मतलब समझता है क्या आपको? द्विधा मन अवस्था, करूं या नॉट करूं, टू बी और नॉट टू बी. पहला क्वेश्चन, साला उसको लूटू कि नहीं? लूटा तो क्या होगा? साला लेकिन अच्छा आदमी यार, लूटू कैसे? लेकिन क्या काम का हो? अच्छा आदमी, मेरा प्रोफेशन क्या है? मैं जो काम करने को आया था मैंने करना चाहिए, ऐसा भी थॉट था. और एक थॉट आया कि नहीं साला उसको मैंने नहीं चुराया तो क्या होगा? ये क्या पैसे सेविंग करके रखेंगे या अपने फ्रेंड सर्कल में जाके दूसरे दिन क्या कर डालेंगे? उड़ा डालेंगे. उससे बेटर तो मैं चुरा लेता, मेरे तो भी काम में वो पैसे आएंगे. ऐसे वेरियस थॉट्स वेयर अराइजेस इन द माइंड ऑफ हरि सिंह. तो इसलिए उसने मन में ठान लिया कि यस, आई शुड रॉब इट नाउ. मैं उसको, और ऊपर से और एक खड़ा है, हाँ मैं इतने दिनों से, महीने से काम कर रहा हूँ उसके घर में, साले ने पैसे नहीं दिए मुझे, क्यों नहीं वैसे लेके जाऊँ मैं, इस पर मेरा हक है. फिर ऐसा भी हुआ. ओके, तो ऐसे थॉट्स उसके माइंड में अराइज हुए. आगे, अनिल वाज अस्लीप. फिर शाम हो गई, अनिल क्या था? सोया था. अ बीम ऑफ मूनलाइट स्टेप्ड ओवर द बालकनी, बालकनी में से बीम लाइट ऐसा आया था. एंड आई फेल ऑन द बेड, एंड फेल ऑन द बेड I sat up on the floor. मैं नीचे सोया था, वो बेड पे सोया था. Considering the situation, मैंने प्लान करके रखा था. If I took the money, I could catch 10:30 express to Lucknow. अभी यदि मैंने पैसे उठाए तो मैं 10:30 की गाड़ी, ट्रेन पकड़ के कहाँ चला जाऊंगा? लखनऊ, क्योंकि मस्त एक्सप्रेस है.
स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट आई क्रेप्ट टू द बेड. फिर मैंने आया, उठा, ऐसा क्रेप्ट करके उसके बेड में गया. अनिल वॉज स्लीपिंग पीसफुली. मस्त अनिल क्या था, सोया था. हिज फेस वॉज क्लियर. उसके फेस के ऊपर कोई टेंशन नहीं था, मस्त सोया था घोड़े बेच के. देखो फ्रेंड, जो किसी का बुरा नहीं करता ना, मस्त सोता घोड़े बेच के. जो साला किसी का बुरा करता ना, कभी जिंदगी में सोएंगा नहीं. एंड अनलाइंड, उसके चेहरे के ऊपर ऐसे ऊपर के फेस के ऊपर कोई भी फोरहेड के ऊपर कोई लाइन नहीं थी. देखो फ्रेंड, किसी किसी के फोरहेड के ऊपर लाइन नहीं होती. मेरे है लाइन है यहाँ पे, नहीं. इसका मतलब मैं कोई टेंस नहीं लेता. जिसके कोई जैसा रहता ऐसे कहता ऐसे करता, इससे समझ में आ लेना कि वो ज्यादा जरा अकड़ा हुआ इंसान है. तो उसके चेहरे पर कोई लाइन नहीं थी, एकदम क्लियर था. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. लेकिन मेरे चेहरे के ऊपर बहुत क्या थे, मार्क्स थे. मतलब मैं बहुत अकड़ा हुआ था, ऐसा हरि सिंह खुद एक्सेप्ट कर रहा है मैं कितना कुत्ता का मिला था. देखो फ्रेंड, हम किसी का यदि बुरा नहीं कर रहे हैं तो हमारा माइंड एकदम मस्त रहता है. हमारे फोरहेड के ऊपर कोई लाइनिंग नहीं होते, बराबर बिल्कुल मस्त क्लियर होता है. लेकिन यदि मेरे मन में यदि कुछ चल रहा है किसी को डिसीविंग करने का, तो ऑब्वियसली मेरा चेहरा फ्रेश नहीं रहेगा. डू यू एग्री विथ मी? यस, ऑब्वियसली. तो लाइक दैट सेम कंडीशन. देखो यदि और एक एग्जांपल देता लगे तो ऐसा लाइन ऑन लाइन का. फॉर एग्जांपल, किसी अपने क्लास में फ्रेंड का 100 रुपये उसने लाए थे, 100 रुपये उसके पड़ गए नीचे. अपने दूसरे फ्रेंड ने उसके उठा लिया और जेब में रख दिया. तो क्या वो पूरा क्लास भर उस दिन भर खुश रहेगा? तो जिसके गए तो बिल्कुल नहीं खुश रहेगा, क्योंकि उसके भी चेहरे पे लाइन आ जाएगी. लेकिन जिसने लिए है वो भी खुश नहीं रह सकता, उसके भी चेहरे पे ऊपर लाइन आएंगी. क्यों आएंगी लाइन? क्योंकि उसके माइंड में भी वेरियस थॉट्स तैयार होंगे ना, कि साला ऐसा मैंने क्यों किया, साला मैंने यार उसके पैसे चुरा लिया. उसके मन में ऐसा लगेगा, उसके लगेगा नहीं मैंने उसके पैसे क्या करना चाहिए, दे देना चाहिए. ऐसे थॉट्स उसके भी माइंड में क्या होंगे, तैयार होंगे. तो जो बुरा करता है उसके माइंड में उसके फोरहेड के ऊपर क्या होते हैं, लाइन्स होती है. यानी उसके वाइट सोच रहती है, तो बुरी सोच वाले तो ऐसे होते हैं, उसके चेहरे फ्रेश नहीं होते. तो मेरे चेहरे पे मार्क्स थे लेकिन उसके चेहरे पे मार्क्स नहीं था. उसका मतलब समझ में आया, अनिल बहुत क्लियर आदमी का नेचर, आदमी का लड़का था, मैं वैसा नहीं था. दो माइंड वेयर मोस्ट स्कार्स. मेरे ऊपर तो बहुत क्या थे, स्कार थे. स्कार मतलब समझता लाइनिंग. माई हैंड स्लीड अंडर द मैट्रिक्स. मैंने मेरा हाथ मस्त भाई ऐसा उठाया, मैट्रिक्स वो सोया था, ऐसा उठाया मैट्रिक्स के नीचे. एंड सर्चिंग फॉर द नोट्स. नोट्स को ऐसे सर्च कर रहा था. When I found them and drew them out without a sound, ऐसा निकाला बिल्कुल आवाज नहीं होने दिया. अनिल sigh in the sleep and turn on his side. फिर अनिल को थोड़ा सा लगा हाथ उसका, उसने थोड़ा सा देख लिया, अरे यार बुरा कर रहा है ये, बराबर. यानी अनिल ने देख लिया था, फिर वो उसके साइड में टर्न भी हुआ, लेकिन उसने दिखाया नहीं कि मैं तुझे देख रहा हूँ. देखो कोई कोई ऐसा लगता है, कोई चोरी करता है या कुछ बुरा करता है तो हमें दिखता है, लेकिन आप इग्नोर कर देते हैं क्यों? और सिर्फ हमने मन में क्या आता है ये आपको पता होगा कि यार बुरा कर रहा है. देखो फ्रेंड, कोई कोई एकदम बिलीव करता है किसी के ऊपर, और वही आदमी ने अपनी बिलीव तोड़ा, तो फिर बहुत बुरा लगता है फ्रेंड. इधर बहुत तकलीफ होती है. आपको होता कि नहीं मुझे पता नहीं, बट मुझे होती है. आई वॉज स्टार्टेड. मैं एकदम स्टार्टल्ड हो गया. स्टार्टल्ड मतलब शॉक्ड, बपरे उठ गया ऐसा लगा. लेकिन वो क्विकली सोया. क्विकली क्राउल्ड आउट ऑफ द रूम. और 2 मिनट में मैं रूम से बाहर निकल गया. क्राउल्ड मतलब चोरी चोरी चुपके चुपके निकल जाना. व्हेन आई वाज ऑन द रोड, फिर मैं रोड पे लग गया. बिगन टू रन, एकदम भागने लगा. आई हैड टू नोट्स इन माय हैंड. मेरे हाथ में अभी भी वो क्या थे, नोट्स थे. हेल्ड देयर मे बी स्ट्रिप स्ट्रिंग ऑफ माय पैजामास. मैंने पैजामे में एक स्ट्रिंग थी, स्ट्रिंग मतलब नाड़ा, उसको बांधे हुए पैसे. आई स्लोड डाउन टू द वॉक. और थोड़ा सा फिर आगे जाके थोड़ा सा स्लो हो गया. देखो पहले क्यों फंस जाएगा कि चलो भाई अनिल आ जाना चाहिए, फिर बाद में थोड़ा सा अभी नहीं आएंगा, अभी बहुत डिस्टेंस हो गया, फिर उसका वॉक थोड़ा सा कम हो गया, स्लो चल रहा है. एंड काउंटेड द नोट्स. फिर मैंने पैसे पहले गिन लिए कि सारे कितने दिखते हैं. तो 600 थे, 600 बराबर रुपीज इन 50s. मतलब सारे नोटे काय कहे थे, 50-50 के नोटे थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब फॉर अ वीक और टू. अब मुझे तो ऐसा लग रहा था कि एक हफ्ता नहीं तो 2 हफ्ते साला अपन अरब की जिंदगी जी सकते. अरब मतलब समझता क्या आपको, रिच पर्सन, बराबर. ऐसा उसको लगा हरि सिंह को, मतलब चुरा लिया. देखो ये पिक्चर में देखते हो आप, देखो ये अनिल मस्त सोया हुआ है, देखा घोड़े बेच के. और ये कुत्ता कमीना हरि सिंह, देखो मैट्रेस के नीचे से कैसे हाथ डालता है और पैसे निकालता है. और ये बात अनिल को अंडरस्टैंड हो जाती है, लेकिन वो दिखाता नहीं, उसको समझाता नहीं. When I reached to the station, फिर रेलवे स्टेशन पहुंचा. I did not stop at the ticket office. मैं टिकट ऑफिस पर रुका नहीं. क्यों नहीं? क्योंकि ये थोड़ी टिकट निकालने वाला था. चुट्टे भामटे लोग कभी टिकट निकालते हैं?
I had never bought a ticket in my life. अभी टिकट मेरे जिंदगी में मैंने कभी निकाला नहीं था. But dashed straight to the platform. मैं सीधा प्लेटफॉर्म पे गया. लखनऊ एक्सप्रेस वॉज जस्ट मूविंग आउट. लखनऊ एक्सप्रेस बिल्कुल निकलने वाली थी. यानी बिंदास वो जाके बैठ सकता था. The train had still to pick up speed. ट्रेन ने अभी स्पीड पकड़ा नहीं था लेकिन पड़कड़ रही थी. I should have been able to jump into one of the carriages. Carriages मतलब compartment. मैं एक आधे compartment में बिंदास जाके बैठ सकता था. इतना उसका स्पीड स्लो था. बट आया बट बट आया मतलब समझना कुछ तो भी हो गया. बट आई हेजिटेड लेकिन मेरा मन मुझे नहीं बोल रहा था कि यार नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए. मैंने यार इट इज रॉन्ग नो नहीं यार इट्स रॉन्ग समथिंग रॉन्ग ऐसा मेरा मन ने मुझे बोला. फॉर सम रीजन आई कांट एक्सप्लेन लेकिन कारण क्या था मुझे पता नहीं. मेरा मन नहीं बोल रहा था कि जाके बैठू लेकिन एक मन मेरा बोला दैट इज रॉन्ग मैं जो कर रहा हूँ गलत है. एंड I lost the chance to get away. इतने में से सोचते सोचते ही ट्रेन वहां से क्या हो गई चली गई. अब हरि सिंह रेलवे स्टेशन पे खड़ा है. When the train had gone, जब ट्रेन गई, I found myself standing alone on the deserted platform. वो deserted platform क्यों बोला? क्योंकि कोई भी निर्मनुष्य प्लेटफॉर्म था मतलब एक भी आदमी नहीं था. I had no idea where to spend the night. मुझे पता नहीं था मैं अभी नाइट मेरी कहानी करूं. I had no friend, believing that my friend were more trouble than help. अभी मेरे कोई friend नहीं थे और मेरे ऊपर कौन believe करेगा? And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotel near the station. तो फिर जान दे यार लेकिन कहीं पे स्टेशन पे भी क्यों रुकू चलो निकलते. The only person I knew really well was the man I had robbed. और एक ही आदमी को इस गांव में जानता था और वो था अनिल. अभी अनिल के भी तो घर नहीं जा सकता क्योंकि अनिल को भी तो मैंने क्या किया है फंसाया है. तो लीविंग द स्टेशन अभी मैंने स्टेशन क्या करा था छोड़ा था. I walked slowly through the bazaar. चलो निकला मैं ऐसे थोड़ा सा बाजार गली में से निकला. ओके इन माई शॉर्ट करियर एज अ थीप मेरे जिंदगी का करियर मतलब थीप में जितने मैंने ईयर्स निकाले थे. आई हैड जस्ट स्टडी A man's face. मैंने लोगों के चेहरे का पूरा स्टडी किया था. When they had lost their goods, किसी के यदि माल चुराते हैं तो उसका फेस बहुत बुरा होता है. The greedy man showed fear. देखो, underline करना आपको क्वेश्चन आएगा. What kind of experience Hari Singh had regarding the thief, regarding the people? तो ये था, ये है, यहाँ से underline करना. द ग्रीडी मैन शोड फियर जो ग्रीडी होता है जिसके यदि पैसे गए तो फियर फुल रहता है थोड़ा सा उसको फियर लगती है. रिच मैन शोड एंगर रिच के यदि पैसे गए तो एंगर दिखाता है. पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस गरीब आदमी बोलता है ठीक है एक्सेप्ट ओके जो होगा हो गया ऐसा. तो इस प्रकार के मेरे और उसके थॉट्स थे. बट आई न्यू दैट अनिल फेस लेकिन अनिल का चेहरा मैंने देखा तो बहुत ही अलग ही था. वेन ही डिस्कवर्ड द थीफ वुड शो ओनली अ टच ऑफ द सैडनेस लेकिन उसके चेहरे के ऊपर ना एंगर था ना फियर था ना एक्सेप्टेंस था फिर क्या था सैडनेस था. फ्रेंड सैडनेस क्यों होगा उसके चेहरे के ऊपर कैन यू इमेजिन मैं बताता हूं आपको. फ्रेंड जब अपन किसी के ऊपर बिलीव करते ना पर कोई अपन को डिसीव करता ना बुरा लगता यार. कोई ऐसे बहुत दुनिया है फ्रेंड. कुछ लोग अपने फैमिली के ऊपर ट्रेमेंडस बिलीव करते हैं और वो फैमिली उसको डिसीव करती रहती है. कोई अपने बीवी के ऊपर ट्रेमेंडस बिलीव करता है और बीवी और उसको डिसीव करती रहती है. कोई बीवी अपने पति के ऊपर ट्रेमेंडस बिलीव करती है और पति उसको क्या करता है डिसबिलीव करता है. तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं फ्रेंड जो डिसबिलीवेबल. तो ये जो ट्रस्ट होता है ये ट्रस्ट उसके वजह से सैडनेस लगता है दैट फॉर द लॉस ऑफ मनी और उसके लॉस पैसे का हो गया. बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट वो पैसे गए उसको उसका डर नहीं था. किसको अनिल को पैसे गए ये कोई बड़ी बात नहीं क्योंकि फ्रेंड सर्कल में उड़ा रही था. लेकिन बुरा उसे एक ही बात का लगा था ट्रस्ट. यार ट्रस्ट हो गया. ट्रस्ट बहुत बड़ी चीज है फ्रेंड जिंदगी में. किसी को सब कुछ तोड़ना फ्रेंड किसी का ट्रस्ट नहीं तोड़ना. ध्यान में आए I found myself in the मैदान. फिर उसके बाद में मैं कहाँ पे आया मैदान में आया. देखो फ्रेंड ये जो वर्ड है मैदान हिंदी वर्ड है यहाँ पे यूज किया है.
सैट डाउन ऑन द बेंच, में वो वहाँ पे एक बेंच था जैसे पार्क में रहता है वैसे, वहाँ पे मैं बैठ गया। द नाइट वॉज चिली, चिली मतलब कोल्डनेस था। इट वॉज अर्ली नवंबर, नवंबर महीना था, नवंबर में ऑब्वियसली ठंडी रहती है हमारे इंडिया में। एंड अ लाइट ड्रिजल एडेड टू माई कम्फर्ट, थोड़ा सा डिसकम्फर्ट, थोड़ी सी ठंडी हवा चल रही थी वो मुझे डिसकम्फर्ट कर रही थी। देखो पहले से ही चिल की वजह से डिसकम्फर्ट, पहले से ही चोरी की वजह से डिसकम्फर्ट था, अभी चिल ने भी मुझे डिसकम्फर्ट कर रही। सून इट वॉज अ रेनिंग क्वाइट हेवीली, फिर बारिश थोड़ा थोड़ा सा शुरू हुआ। माई शर्ट पैजामा स्टक टू माई स्किन, ऐसे चिपकने लगे। देखो पैंट गीला होता आदमी तो स्किन शरीर को क्या होती है, चिपकती है। एंड कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, थोड़ा सा ठंडा हवा क्या हो रही थी बह रही थी। आगे आई वेंट टू बाजार, फिर मैं बाजार में से गया। सेट डाउन इन द शेल्टर ऑफ द क्लॉक टावर, वहाँ पे एक बहुत बड़ा क्या था, क्लॉक टावर था, उसके नीचे थोड़ा सा खड़ा रह गया क्योंकि बारिश से बचने आता। द क्लॉक शोड मिड नाइट, वो क्लॉक टावर पे पास गया तो मिड नाइट हो गई ऐसा समझ में आ रहा था। आई फेल्ड फॉर द नोट्स, दे वेयर डैम फॉर द फ्रॉम द रेन, थोड़ा सा मैंने नोटे एक बार देख लिए, नोटे गीली हो चुकी थी, डैम मतलब समझता है वेट। अनिल्स मनी इन मॉर्निंग ही वुड बी प्रोबेबली हैड गिवन मी 2 or 3 rupees टू गो टू द सिनेमा। देखो फ्रेंड, अनिल मुझे बहुत बार कुछ भी पैसे देता था, 2-3 रुपये देता था कहाँ पे जाने के लिए, सिनेमा में। बट नाउ आई हैड इट ऑल, अब सारे पैसे मेरे पास थे। बट आई कुड नॉट कुक हिज मिल, एक्चुअली मैंने उसका कभी मिल नहीं किया। रन टू द बाजार एंड लर्न टू राइट एंड द होल सेंटेंसेस माई मोर, एक्चुअली अनिल ने, मैंने अनिल के लिए कुछ नहीं किया था बट अनिल ने मेरे लिए कुछ भी किया था। मतलब खाना भी वो बनाता था, मुझे खिलाता था, ऊपर से मुझे मार्केट में भेजता था तो मैं वहाँ से भी पैसे मारता था। मतलब वहाँ भी मैं उसका अनट्रस्ट करता था, ये बात पता हो के भी वो मुझे कुछ नहीं बोलता था, मतलब कितनी बड़ी बात थी। दूसरी बात, मुझे कभी कभी हफ्ता हो गए, 2 हफ्ते हो गए कि मुझे सिनेमा के लिए पैसे देखने थे, पैसे देता था देखने के लिए आगे, और मुझे कुछ लिखने को सिखाया था, मुझे पढ़ने को सिखाता था। ये सारी बातें कितनी ग्रेट थी, मुझे सब याद आ रहा था, उसके वजह से मैं निगेटिव हो रहा था। आई हैड फॉरगॉटन अबाउट देम इन द एक्साइटमेंट ऑफ थेफ्ट, एक्चुअली मैं ये सारी बातें यार आज भूल गया हूँ, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए ऐसा उसको लगता है। द होल सेंटेंसेस आई न्यू कुड वन डे ब्रिंग मी मोर देन अ फ्यू 100 rupees, अरे यार कुछ चंद पैसों के लिए मैंने ऐसा क्यों किया। एक्चुअली यही सेंटेंसेस उसने मुझे सिखाए हैं, शायद ये सेंटेंस मतलब ये एजुकेशन की वजह से मैं आगे जाके उससे भी ज्यादा पैसे क्या कर सकता हूँ, कमा सकता हूँ। इट वॉज अ सिंपल मैटर टू स्टील, यार मैंने बहुत गलत बात किया, मैंने उसको ऐसा करना नहीं चाहिए था, चुराना नहीं चाहिए था। एंड समटाइम जस्ट सिंपल टू बी कॉट, और मैं एक आधे दिन पकड़ा जाऊंगा, एक्चुअली मैंने ये छोड़ देना चाहिए, एक्चुअली मैंने भी अच्छा काम करना चाहिए, ऐसे थॉट्स वेयर अराइजेस इन द माइंड ऑफ हरि सिंह। बट टू बी अ रियली अ बिग मैन, अ क्लेवर एंड रिस्पेक्टेड मैन वॉज समथिंग एल्स, सच में मुझे आज लग रहा था कि अनिल बहुत बड़ा आदमी है यार, बहुत होशियार है, बहुत रिस्पेक्टेड है। एंड मैंने उसको नहीं ऐसा नहीं फंसाया था, आई शुड गो बैक टू अनिल, मैंने अनिल के पास जाना चाहिए। I told myself, if only to learn to read and write, मुझे और पढ़ना चाहिए उससे, मैं वहाँ पे जाऊँगा, ऐसा उसको लगा। I hurried back to the room, feeling very nervous. Nervous लग रहा था, मैं घर पे रूम पे गया। For it much easier to steal something than to return it to undetected. देखो जितना चुराना जितना आसान है, उतना चुराई हुई चीज वहाँ पे रखना उससे भी बहुत बड़ा मुश्किल है। एक घड़े चोरी करना आसान है, लेकिन वो चोरी करके वस्तु वहाँ पे रख देना ये बहुत बड़ा डेंजर काम रहता है। अभी मैं पकड़ा गया तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन किसके सामने था, हरि सिंह के पास था, लेकिन फिर भी वो निकला है। आई ओपन द डोर, फिर भी मैं स्लोली क्वाइटली दरवाजा खोला, पहले देख लिया विंडो में से कि भाई है कि नहीं। देन स्टूड इन द मिड डोर डोरवे एंड क्लाउडेड मूनलाइट, फिर मैंने देखा कि और नहीं अभी सोया है। अनिल वॉज स्टिल अस्लिप, अनिल मस्त सोया था। आई क्रिप्ट टू द हेड और टू द बेड, फिर मैं वहाँ पे गया। माई हैंड कम अप विद द नोट्स, मैंने मेरे हाथ में से नोट्स निकाले। एंड फेल्ट हिज ब्रीथ ऑफ माई हैंड, थोड़ा सा मैंने ब्रीथ ले लिया। आई रिमेन स्टिल फॉर अ मिनट, मैं 2-3 मिनट वहीं पे ऐसे पैसे लेके खड़ा हो गया कि क्या देना चाहिए, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए। देन माई हैंड फाउंड द ईच ऑफ द मैट्रिस एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, फिर मैंने थोड़ा सा मैट्रिस और एक बार उठाया और पैसे वहाँ पे रख दिए। आई अवेक लेट
next morning to find that Anil had already made a team. एक्चुअली जब पैसे रखे ना फ्रेंड, तभी भी अनिल क्या था, अवेकन था. क्यों? दोनों सोए नहीं है फ्रेंड. अनिल भी सोया नहीं है. ओके, आपको पता है हरि सिंह तो सोया ही नहीं है. हरि सिंह क्यों नहीं सोया है, उसकी रीजन भी आपको पता है. क्यों नहीं सोया है, तो उसने गलत किया है. जो गलत करता है वो कभी सोता नहीं है. लेकिन अनिल ने क्या किया ऐसा कि जो उसको उसको नींद क्यों नहीं आई, तो उसको नींद ना आने का रीजन था अनट्रस्ट ऑफ ब्रेक फेथ और ट्रस्ट. मतलब जब कोई अपना फेथ किसी के ऊपर अपने डाला या ट्रस्ट किया है और उसने यदि हमारा ट्रस्ट तोड़ दिया तो वो बहुत बुरा लगता है. तो ऐसा उसको बुरा लगा था. एंड दैट्स व्हाई सोया नहीं. उसने देखा भी वो रिटर्न पैसे करने वाली बात, तो उसको फिर भी अच्छा लगा. लेकिन चलो भाई, बाद में अच्छा तो चला, अच्छा सुधर तो गया. अनिल ने सुबह उठा, उसके लिए चाय बनाई. ही स्ट्रेच आउट हिज हैंड टुवर्ड्स मी और मेरे तरफ ऐसा किया, चल ले भाई. देर वॉज अ 50 रुपी नोट बिटवीन हिज फिंगर और साथ में उसने 50 रुपये भी उसके हाथ में देना चाहा. चाय दी देखो पहले सुबह सुबह, और उसको 50 रुपये भी दिए. क्यों दिए? माई हैंड सैंक, मेरा हार्ट धड़ कर रहा था. क्यों? चला उसको पता चल गया यार, ऐसा मुझे लगा था. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड और मैं पकड़ा गया यार, ऐसा उसको लगा था. लेकिन ऐसा नहीं हुआ था. मतलब पकड़ा तो गया ही था, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं हुआ था. I made some money yesterday, he explained. Now you will be paid regularly. चल बोले ले, अब मैं पैसे कमाने लग गया और आज से मैं आपको each and every month pay करूंगा. बराबर, ऐसा उसने कहा. My spirit rose, मुझे अच्छा लगा. चलो भाई, मैं पकड़ा नहीं गया. But when I took the notes, जब मैंने notes लिया मेरे हाथ में, I saw it. It was still wet from the night's rain. वो वही गीली नोट थी जो मैंने रात भर घुमाई थी बंडल में से. Today we will start writing sentences, he said. अनिल बोला, चल सब बंद कर, आज से हम पढ़ना चालू कर देंगे. क्यों ऐसा किया अनिल ने? क्योंकि अनिल उसको रिकवर करना चाहता है. Today we will start, ऐसा बोला. He knew, सब उसको पता था. But neither his lips nor his eyes showed anything. But उसने ना लिप्स से उसको बताया, ना उसने कुछ आईज से दिखाया. I smiled at Anil in my most appealing way. अनिल मस्त एक स्माइल ने मेरे साथ बात कर रहा था. ऐसा नहीं दिखा रहा था कि मुझे पता चल चुका है. And the smile came it by itself without any effort. यानी उसको कुछ एफर्ट नहीं करने पड़ते थे. लेकिन जब भी मैं हंसना चाहता था, मुझे बहुत एफर्ट करने पड़ते. देखो, जो बुरा करता है ना, तो उसको एफर्ट करने पड़ते हैं. अच्छा करने के लिए कोई एफर्ट की क्या नहीं पड़ती, जरूरत नहीं पड़ती फ्रेंड. तो इस प्रकार से जो रेसन था, ये मेरे फेवरेट राइटर का है, रस्किन बॉन्ड का है. फ्रेंड, पढ़ने में बिल्कुल इंटरेस्ट आया, मुझे आया, आपको भी शायद आया होगा और अंडरस्टैंड भी हुआ. ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो फ्रेंड. सच में मैं आप सभी का शुक्रगुजार हूँ. और यदि मेरा वीडियो आपको लाइक अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर दबा देना और सब्सक्राइब जरूर करना. ओके, एंड ये स्टोरी आपके फ्रेंड सर्कल में भी शेयर करना. शायद आपको इच एंड एवरी सेंटेंस मैंने बता दिया है, समझ में तो आया होगा. लेकिन फिर भी यदि आपको कुछ समझ में नहीं आया तो प्लीज़ आस्क मी इन माई कॉमेंट बॉक्स. आई विल श्योरली सॉल्व योर प्रॉब्लम. थैंक यू, बाय. नेक्स्ट.